Good afternoon, friends. सोलर सेक्टर को प्रमोट करने के लिए सूर्यकॉन ने आज ये इवेंट का जो आयोजन किया है और इस इवेंट में हमें इनवाइट करके जो हमारा बहुमान किया है इसके लिए सभी ऑर्गेनाइजर्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ. और आप सब जानते हैं इस प्रकार पहले तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब जो गुजरात में मुख्यमंत्री थे तो 2009 में इस क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का गठन किया गया और इस साल क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने 2019 में उसका 10 साल का ये सफ़र कंप्लीट किया है. पिछले 3-4 सालों में क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने अलग अलग सेक्टर में बहुत कुछ काम किया है. पर्टिकुलर पिछले 3 साल में सोलर सेक्टर में हमारी जो सोलर रेजिडेंशियल सोलर रूफटॉप की जो स्कीम थी उसमें हमने जो 3 साल आप सबके सहयोग से गुजरात में जो काम किया और करीबन 400 मेगावाट का जो हमने इस 3 साल में काम किया तो उसकी वजह से आज पूरे देश में गुजरात सोलर रूफटॉप सेक्टर में नंबर 1 पर है. और उसका अगर जो कुछ जस जाता है और उनके लिए जो हमें गुजरात सरकार शुक्रिया अदा करना चाहती है तो आप लोग के सहयोग से ही ये 3 साल के हमारे साथ के सफ़र में हमने ये अचीव किया है. अगले 3 साल का भी गुजरात सरकार का टारगेट जो है वो आप सब जानते ही है और उसको ध्यान में रखते हुए ये 3 सालों में यानी कि 2022 तक हमें 1800 मेगावाट का टारगेट अचीव करना है और ये सोलर रूफटॉप की हमारी जो ये स्कीम है उसको 8 लाख बेनिफिशियरी तक पहुंचाना है. तो ये काम के लिए भी इन फ्यूचर आप लोगों का ऐसा ही साथ सहकार हमें मिलता रहे तो हम आसानी से इस टारगेट को अचीव कर पाएंगे. इस साल भी मार्च 2020 तक 2 लाख बेनिफिशियरी तक पहुंचने का हमारा टारगेट है और उसके लिए हमने 1000 करोड़ का बजटरी प्रोविज़न भी किया है. उसी तरह नेक्स्ट ईयर भी हम 2021 में भी इसी स्कीम को इसी रफ्तार से आगे बढ़ाएंगे और नेक्स्ट ईयर भी हम करीबन 1500 करोड़ के आसपास का बजटरी प्रोविज़न करके हम काम करना चाहते हैं. मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों का जिस प्रकार से अभी तक हमें साथ सहकार मिला है इसी प्रकार का ये साथ सहकार मिलता रहे और हम 2022 तक का हमारा जो प्रधानमंत्री का जो टारगेट है 175 गीगावाट और उसमें जो सोलर का जो सेक्टर आता है उसको हम आसानी से अचीव कर पाएंगे. अलग अलग कंपनीज के लोग आज यहाँ पर है और उन्होंने अपनी कंपनीज के अभी तक उन्होंने जो सोलर सेक्टर में काम किया है उनका प्रेजेंटेशन किया. बहुत बढ़िया तरह से ये सब कंपनियाँ गुजरात में और पूरे इंडिया में काम कर रही है. इस साल इस स्कीम में थोड़ा चेंज करके सूर्य गुजरात का नाम देते हुए इस स्कीम का इम्प्लीमेंटेशन हमने डिस्कॉम के जरिए करना शुरू किया है और इसमें प्रधानमंत्री का जो मेक इन इंडिया का जो एक दृष्टिकोण है उसको भी ध्यान में रखते हुए इस टारगेट को या इस काम को हमें पूरा करना है. क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट 10 साल के उसके सफ़र के उपलक्ष्य में वेरी शॉर्टली 10 साल का क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट का क्या सफ़र है और क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट ने क्या काम किया है तो उसका एक डॉक्यूमेंटेशन भी हम तैयार कर रहे हैं और विद इन शॉर्ट टाइम हम लोग ये इस डॉक्यूमेंट को पब्लिश भी करेंगे. क्लाइमेट चेंज डिपार्टमेंट रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स को प्रमोट करने के सेक्टर में वेस्ट टू एनर्जी सेक्टर में ऐसे बहुत अलग अलग सेक्टर में अभी तक काम किया है और इन फ्यूचर भी हम उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं. पर्टिकुलरली रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में हमारे साथ हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है जेड़ा वो भी
फुल्ली सपोर्ट करते हुए इस रिन्यूएबल सेक्टर में बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है। इसी तरह बार बार इस प्रकार की सोलर को प्रमोट करने के लिए इवेंट का आयोजन किया जाए तो बहुत जल्दी हम लोगों तक हमारा ये सोलर का या रिन्यूएबल एनर्जी का जो हमारा ये मैसेज है हम उनके तक पहुंचा पाएंगे और हमारा जो टारगेट है वो हम आसानी से अचीव कर पाएंगे। फिर से शुक्रिया अदा करते हुए आप लोग का साथ सहकार ऐसे ही हमें मिलता रहे इस उम्मीद के साथ आप सबको मैं धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय जय गरीब गुजरात।